आत्मा की अनुभूति करना जी विथ प्रूफ जी, नॉर्मली आत्मा शब्द तो शास्त्रों में भी लिखा है और हजारों साल से लिखा है, मगर उसका अनुभव और उसका प्रूफ क्या चाहिए? आम आदमी कैसे उसको समझ सके कि आत्मा है ही? जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा जो है, आत्मा का स्वभाव तो लाइट है जी, और लाइट के अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है, एंड नो ड्यूअलिटी एंड नो डिफरेंसेस। बट ये आत्मा का जो प्रकाश का स्वभाव है, कैसे हम इसको प्रूव कर सके एज अ सोल लाइट? तो जैसे हम यहां बैठे हैं जी, और हमारे सामने कोई दृश्य है जी, तो दृश्य को देखने के लिए मैं देखने वाला हूं और सामने दृश्य है, तो दृश्य को देखने के लिए मेरे को बिना लाइट आंखें खुली होते हुए भी मैं दृश्य को नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इट इज प्रूव दैट के देखने वाला कोई भी दृश्य देख सकते हैं तब जब बीच में लाइट होती है, लाइट तो बिना लाइट हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आंखें खुली है, दृश्य भी है, मगर लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते जी। तो ये सिद्धांत हो गया जी। तो हमारे पूरे दिन के अंदर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, तो सूर्य की लाइट से हम पूरी दुनिया को देखते हैं जी। रात को जब सूर्य की लाइट बंद हो जाती है जी, तो ये आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट है, उससे हम दुनिया देखते हैं जी। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये सिद्धांत की बात अगर आगे ले जाए, तो हम रात को जब सो जाते हैं और जो सोने के बाद जो हमको स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न कौन से प्रकाश में दिखते हैं? दिखते हैं। और सिद्धांत तो मालूम हो गया कि बिना लाइट देखने वाला दृश्य को नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। और रात को हम सोने के बाद स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखने वाला भी है और स्वप्न भी है, दृश्य भी है और देखने वाला है, मगर दोनों के बीच में जो लाइट है वो कौन सा लाइट है जी? तो ये इट्स अ प्रूव कि आत्मा के बिना कोई लाइट संभव नहीं है। तो हम सब अनुभव करते हैं, मगर मालूम नहीं है कि ये आत्मा का प्रकाश है। मैंने पहले भी कहा, हम सबको आत्मा का अनुभव तो है, आत्मा के अनुभव बिना हमारा जीवन शक्य ही नहीं है, मगर इसको अनुभव कहते हैं वो सिर्फ मालूम नहीं है जी। तो जैसे सपना दिखते तभी आत्मा का ही प्रकाश है, वो प्रकाश से ही हम अपने सपन को देख सकते हैं जी। तो ये प्रूफ हो गया कि आत्मा तो है, ठीक। तो अभी जैसे हम स्वप्न को, स्वप्न के अंदर ये प्रकाश के माध्यम से ये दृश्य देख सकते हैं, ऐसा हमारा पूरा जो लाइफ है जी, जो फाइव सेंसेस से चलता है और ये फिजिकल बॉडी से चलता है, उसमें भी बिना आत्मा के प्रकाश न मन न बुद्धि न चित न अहंकार कुछ भी काम नहीं कर सकते, प्रकाश के बिना जी। प्रकाश कुछ करता नहीं है, मगर प्रकाश की एब्सेंस में मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं कर सकती है। इवन तो इन एब्सेंस ऑफ सोल हम ब्रीथ भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक। तो यानी आत्मा का अस्तित्व है वो तो हर समय इंसान को महसूस हो जाता है, मगर ये आत्मा है वो मालूम नहीं है, नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि अगर आत्मा है ऐसा हमको समझ में आ गया, तो हम कैसे उसका बेनिफिट लें? तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि आत्मा जो है उसका लाभ लेने का मतलब होता है, आत्मा ही हमारा अस्तित्व है, तो उसको आध्यात्म के मार्ग में टाइटल देते हैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा भी प्रकार होते हैं, शुद्ध आत्मा या बताऊं मैं आपको, शुद्ध आत्मा, वैसे आत्मा ही शुद्ध है जी, मगर अकेला आत्मा शब्द बोलेंगे जी, तो कहीं धर्म के अंदर हमारा आत्मा पापी है जी, हमारा आत्मा ये प्रेरणा करता है, हमारा आत्मा ऐसा करता है, हमारा आत्मा ऐसा करता है, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो ये शब्द प्रयोग आत्मा के लिए वास्तव में नहीं है, नहीं है। अच्छा, मगर ये गलत इस्तेमाल होते हैं, तो हम कहते हैं आत्मा तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, आत्मा के अंदर मलिनता होना संभव ही नहीं है, इसीलिए हम प्रयोग करते हैं कि शुद्ध आत्मा जी। तो जो शुद्ध आत्मा है वो हर समय शुद्ध ही रहता है जी। और हमारा मन बुद्धि चित अहंकार हर अवस्था को किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, ऐसा हम फील करते हैं, फील करते हैं।
तो जो आत्मा का ज्ञान है तो हमको मालूम होता है कि ये सब कुछ फीलिंग ये रिलेटिव है जी, और मैं उससे अलग रियल हूँ और मैं शाश्वत स्वरूप हूँ और ये फीलिंग टेम्पररी क्या है टेम्पररी है जी। और वो टेम्पररी फीलिंग भी क्यों है बिकॉज ऑफ माई सफरिंग, मेरे सफरिंग के लिए है कर्म। अगर हाँ तो मेरे जो कर्म मैं लेके आया हूँ इसको भुगतान के लिए, ये नेचर विल गिव यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग और वो सफरिंग आप अपने मन बुद्धि चित अहंकार से करते हैं। शरीर तो माध्यम है, इंद्रिया भी माध्यम है, मगर अंदर जो मन बुद्धि चित अहंकार है तो उससे हमको इम्पैक्ट होती है, या सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति, नंबर दो एक, और नंबर दो उसके स्ट्रेंथ की अनुभूति अहंकार से होती है। एक व्यक्ति को $50 $50 की कीमत है, दूसरे व्यक्ति को $50 की कोई कीमत नहीं है, उनको $5,000 की बात कहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, इट इज ओके। कोई कहेंगे $5,000 मिले छोटी चीज है, मेरे को तो $50,000 की, यानी जो स्ट्रेंथ का फीलिंग है वो बुद्धि और ईगो के साथ जुड़ा है जी। मगर सफरिंग जो होता है ये कर्मों के माध्यम, ये कर्मों का फल स्वरूप होता है। कर्म की बात को मैं माफी चाहता हूँ आपके आदेश से, अगर कर्मों की बात करते हैं, कर्म क्या इस जन्म के या मतलब या किसी पिछले जन्म के, मतलब किस कैसे कर्मों का मतलब निदान कैसे होता है, कैसे फल आता है, मतलब क्या चीज है ये कर्म? कर्म की परिभाषा जानना चाहिए पहले, तो कर्म क्या है जी? कर्म का मतलब होता है चार्जिंग जी, दूसरा नाम है एग्जाम जी, और तीसरा नाम है बीज जी। तो कर्म चार्जिंग और बीज, बीज इसको एग्जाम भी कह सकते हैं जी। तो कहने का मतलब तो कर्म जी, आम लोग कर्म जी और कर्म फल को नहीं जानते हैं, कर्म और कर्म फल को नहीं जानते, नहीं जानते हैं। कर्म फल को ही आम जनता कर्म कहती है, क्या कहती है? कर्म, कर्म फल को ही कर्म कहती है जी। एग्जाम को ही रिजल्ट, रिजल्ट को ही एग्जाम कहती है और फल को ही बीज कहती है। ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। लेकिन ये अज्ञानता तो टोटली वर्ल्ड में ऐसे ही फैली हुई है, जिसको आप अज्ञानता कहते हो कि फल है तो ये मेरे सामने है, मुझे बीज का नहीं पता, ज्ञानी नहीं है। और ऐसे ही आपने दो और एग्जांपल दिए हैं कि जिस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो उस उसका कैसे मतलब तालमेल कैसे होता है? हाँ हाँ बताऊं मैं आपको जी, कि सबसे पहली बात यह है कि कर्म और कर्म फल जी, कर्म ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते हैं और कर्म फल ऐसी चीज है जो आप इसको देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं जी। तो कर्म और कर्म फल के हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्योंकि एग्जाम है तो मैं ये बोलूंगा कि आज मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरा इम्तिहान हुआ या उसका मुझे रिजल्ट अब मिल रहा है, लेकिन जब हो रहा था इम्तिहान उसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो इसके बारे में कुछ दृष्टि डालिए। हाँ तो जैसे अपने जीवन के अंदर जी, जन्म से मौत तक जी, मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान होती है जी, ये सब कर्म फल है, ये कर्म नहीं है। कर्म फल का मतलब होता है जिसके अंदर आपको चॉइस नहीं है, संजोगों के मुताबिक जीना ही पड़ता है, यानी चॉइस नहीं है। अगर जैसे आपका जन्म हुआ तो जन्म हुआ तो माता पिता आपकी चॉइस नहीं है, नहीं भाई बहन आपकी चॉइस नहीं है, रहने का घर मिला पैदा होते हुए वो आपकी चॉइस नहीं है, रिलीजन मिला आपकी चॉइस नहीं है, फिर भी क्यों मिला? तो कि ये कर्म फल है, फल के अंदर चॉइस नहीं होती है, एग्जाम के अंदर चॉइस होती है, कर्म के अंदर चॉइस होती है, बीज के अंदर चॉइस होती है, फल के अंदर चॉइस नहीं है। लेकिन ये मेरा सवाल स्वामी जी माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू अवर लिसनर्स आउट देयर कि देखो मैं
चाहता हूँ कोई तो रॉयल फैमिली में जन्म लेता है, कोई ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, दिन का मतलब सुबह पता नहीं होता कि शाम की रोटी मिलेगी, नसीब होगी कि नहीं होगी। जी आज अवाम हर जगह दुविधा में फंसा हुआ है, इस चीज़ को सोचता है कि मैं ऐसा क्यों। इस बारे में मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूँगा, और ये सवाल हर जन जन के माइंड में है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, ये सवाल हमारे जारी रहेंगे। जय जनेंद्र, जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के प्रोग्राम के दूसरे भाग में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हमारी बातचीत चल रही है, बहुत सूक्ष्मता है इस बातचीत में। आत्म विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी, जो कि इंडिया से आए हुए हैं, इनके साथ बातचीत हो रही है कर्मों के बारे में। हम कर्मों पर अब अटक गए हैं। कर्म क्या है, कैसे होते हैं, इसकी अनुभूति क्या होती है, हाउ यू फील इट, कर्म करने से पहले रुकना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ये है क्या? मेरे ख्याल में तो कर्म ये है कि ट्रैफिक लाइट रूल, रुको, देखो, फिर जाओ। मुझे सर इतना ही पता है, अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे इस ज्ञान की, विज्ञान के द्वारा इसको जानने की ज़रूरत है। स्वामी जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में दूसरे बार। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जी, कर्मों के बारे में बात करते हैं कि इसकी अनुभूति जी, आप प्लीज हमारे तो जो कर्म होते हैं, जी। ये कर्म जो है, हम जिसको कर्म कहते हैं वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। जी जन्म के साथ भी जो हमको मिलता है, माता पिता भाई बहन घर धर्म परिवार जो कुछ भी मिलता है, वो जी रिजल्ट है, क्योंकि हमारी चॉइस नहीं है। जी तो जो रिजल्ट होता है जी वो एग्जाम उससे पहले होती है, फिर मृत्यु होता है तो भी हमारी चॉइस नहीं है, नहीं है, उसके एग्जाम हमने दे दिया है, दे दिया, इसीलिए जन्म ले हमारी लिया, चॉइस नहीं है। नहीं, बोल जन्म लिया। नहीं, हाँ जी, यानी उसकी दोनों की, जन्म की भी हाँ जी, मृत्यु की, दोनों की एग्जाम हमने पहले दे पहले चुके दे दिए, हैं। ठीक है और जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है जी। उसका भी एग्जाम हमने दे दिया है। जैसे मैंने कहा, जन्म भी हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट है यानी कर्म फल है, जी, मौत भी कर्म मृत्यु भी कर्म फल है, जी। और जीवन जो मन वचन काया से चलता है वो भी कर्म फल है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया। तो पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे। कैसे तो मैंने कहा, सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, तो कहीं श्रोताओं का उत्तर होता है, कभी कभी हम सोच भी सकते हैं और कभी अपने आप विचार आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप संजोग के आधार से सोचते हैं, वो संजोग कहाँ से लाए, वो भी पिछले अवतार के कर्मों का फल है जिससे ये संजोग आए, और संजोग में आपने सोचा और आपने बाद में उसको फॉलो किया, तो संजोग ही कर्म फल है। तो यानी सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे अंदर नहीं है। नहीं, दूसरी बात ये हो स्पीच की, कि बोलने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है, तो तत्वज्ञान ये कहता है, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये कहता है कि बोलने की स्वतंत्र शक्ति आपके पास नहीं है, नहीं है, क्योंकि आप संजोगों के आधार पे आपकी स्पीच है और संजोग आप लेके आए हो, तो उस पे भी कंट्रोल नहीं है। नहीं है आम लोग मानते हैं कि कंट्रोल है, जी। मगर है नहीं। जैसे आपके सामने जैसा व्यक्ति आएगा, ऐसी आपके अंदर भाषा निकलेगी। आपके सामने माता आएंगी
तो वही प्रकार की भाषा निकलेगी, आपके सामने बहन आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने पत्नी आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने माता आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने बच्ची आएगी तो वही भाषा निकलेगी। यानी आपकी स्पीच डिपेंड ऑन सरकमस्टेंसेस है जी। ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई कि हमारे समाज में जो हमारे सामने आता है वैसी भाषा हम उनके साथ बोलते हैं, आदर सहित या प्यार सहित या दोस्ती के सहित, जैसा भी जैसा लोग आएंगे। लेकिन भाषा जो है ये तो ऑल्सो हमारे कंट्रोल में, कि हमें क्रोध में करनी है या प्यार से करनी है या आदर सहित करनी है, ये तो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। नॉर्मली नॉर्मली योग से नहीं, नॉर्मली हमको लगता है कि ये कंट्रोल में है, हमारी भाषा यानी स्पीच हमारे कंट्रोल में है, ऐसा लगता है हमको। मगर हमारे जीवन में हर संजोग में हमको मालूम है कि जो बोलना चाहिए वो हम नहीं बोल सकते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो हम निकल जाता है। ऐसा जीवन में हर व्यक्ति को अनुभव होता है, काम का स्पीच खत्म होने के बाद होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए या तो ऐसा ही बोलना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि अगर हमारे हाथ में कंट्रोल है तो हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यानी हमारी जो भी स्पीच है डिपेंड ऑन सरकमस्टेंसेस, एंड सरकमस्टेंसेस इज क्रिएटेड बाय द नेचर हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। अच्छा, उसका भी लिंक है, पूरा लिंक है। पिछले जन्म में हम शायद मानव नहीं थे, तो शायद हमने किसी और मोड में, जैसे हम कोई भी क्रीचर भी हो सकते हैं, तो उस समय में कोई ऐसे कर्म किए हों, और अब मानव जन्म भी मिल गया लेकिन कर्मों का भुगतना भी मिल गया, ये कैसे संभव? बताओ मैं आपको, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है जी। तो पहले हम इसको पेंडिंग रखते हैं और मन वचन काया तीनों को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ईजी रहेगा, आम लोगों को ये समझना बहुत ईजी रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कर्म फल है, स्पीच हमारी कर्म फल है। ऐसे में एक्शन की बात करता हूँ, क्रिया वो भी 100% कर्म फल है। आम लोगों को लगता है, आम जीवों को लगता है, आम व्यक्तियों को लगता है कि क्रिया हम अपनी मर्जी से करते हैं या तो चॉइस से करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी हर एक्शन डिपेंड ऑन सरकमस्टेंसेस है। क्या है सरकमस्टेंसेस? हाँ, तो हमारी भाषा भी, जैसे हमारे सामने बॉस आता है तो भाषा अलग हो जाती है, असिस्टेंट होता है तो भाषा अलग हो जाती है, फ्रेंड्स होते हैं तो भाषा अलग हो जाती है, एक्शन भी अलग हो जाती है। यानी हर संजोग में हमारा एक्शन भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पत्नी के सामने एक्शन, माता के सामने, बहन के सामने, यानी एक्शन इज डिपेंड ऑन सरकमस्टेंसेस, एंड सरकमस्टेंसेस आर क्रिएटेड बाय द नेचर हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। ये हम नहीं खड़े करते हैं। रामायण में राम को युद्ध करना, ये संजोग राम ने नहीं खड़ा किया, और महाभारत में युद्ध करना पड़ा, वो कृष्ण ने खड़ा नहीं किया। हैज पर द प्रीवियस बर्थ कॉज द सरकमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय द नेचर फॉर योर प्रीवियस, फॉर योर सफरिंग। अगर ये संजोग नहीं बनेंगे तो सफरिंग कैसे आएगा? तो कर्म सफरिंग के लिए होता है, आप समझे ना? तो जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों कर्म फल है, इसमें कर्म का अंश नहीं है। तो मैं उसकी डेफिनेशन देता हूं। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। ये कर्मों का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत है, ये कर्म फल है। तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये 100% कर्म फल है, ये कर्म नहीं है। तो प्रश्न ये होता है, अगर हमारा पूरा जन्म, जीवन, मृत्यु और मन वचन काया अगर कर्म फल है, तो फिर नए कर्म कैसे चार्ज होते हैं जिससे हमको नया बर्थ मिलता है? तो कर्म चार्ज भाव से होते हैं, जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। और भाव इंटेंशन से बनते हैं, इंटेंशन आशय, और आशय कैसे बनता है? पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो लेके आए, ये वर्तमान संजोग, और आपको जो वर्तमान में जो कुछ भी ज्ञान मिला, ये तीनों का निचोड़ नए कर्म चार्ज करने में या इंटेंशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। थ्री थिंग्स,
पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो लेके आए, लेके आए वर्तमान सर्कमस्टेंसेस, संजोग उसका, संजोग, हाँ जी, और वर्तमान में आपने जो कुछ भी अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, ये सबका निचोड़ रख करके आप इंटेंशन बनाते हो, एट दैट वे यू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट पर्सन। तो कुदरत कहते हैं कि कुदरत अपनी लोग उसको भाव भगवान बोलते हैं, वास्तव में कुदरत है। कुदरत आपके भाव को रिकॉर्ड करते हैं, आपके एक्शन, स्पीच और थॉट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है। रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो एग्जाम को भाव कहते हैं और मन वचन काया की क्रिया को रिजल्ट कहते हैं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन एग्जाम एंड रिजल्ट। वंडरफुल वंडरफुल। ये अध्यात्म विज्ञान इज ऑल्सो काइंड ऑफ, जैसे आपने कहा कि मास्टर ऑफ कॉमर्स एक अकाउंटेंट उधर भी बैठा है, जो आपका पूरा कर्मों का सिद्धांत जो है, क्या क्या अकाउंट्स किए हैं, जो अकाउंट्स रखता है, कैसे उसको आपके आगे उसने उसका फल देना है, कैसे उसको आपने अपने आने वाले कर्मों को कैसे शुद्धिकरण करना है, इसके बारे में हम डेफिनेटली बातचीत जारी रखेंगे। समय की अभावना के कारण आज हमें इस एपिसोड को यहीं विश्राम देना होगा। स्वामी जी, ये एक बहुत ही अहम भूमिका है एक ज्ञानी पुरुष की, जो अध्यात्म विज्ञान के जरिए से बहुत सारी रिसर्च करके, हर ग्रंथों से, हर लिटरेचर से, हर तरह से बातचीत करके, अच्छे अच्छे लोगों से, स्कॉलर से बात करके, जो ज्ञान करके आपके पास पहुंचाते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से अगर आपने भी कुछ हमें फीडबैक करना हो तो डेफिनेटली जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, और इनका कहीं भी आपने लेक्चर रखना हो इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। और अगेन अगले प्रोग्राम में अध्यात्म विज्ञान की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।